नया साल, नया जोश और नई टेक्नोलॉजी। 2020 में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं ये साल आपके लिए जोश और उमंग भरा रहे। अगर बात करें टेक्नोलॉजी की तो यहाँ भी काफ़ी कुछ नया होने वाला है। मैं हूँ मानस तिवारी, तो शुरू करते हैं इस हफ्ते का टेक टॉप 10। अगले हफ्ते लास वेगास में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े टेक शो CES 2020 में काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। CES 2020 7 से 10 जनवरी के बीच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसमें टेक और गैजेट से जुड़ी सभी बड़ी कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी। अमेज़फिट CES 2020 में अपनी नई स्मार्ट वॉच अमेज़फिट टीरेक्स लॉन्च करने वाली है। इस स्मार्ट वॉच में ब्लूटूथ 5.0 के साथ 390 mAh की बैटरी यूज की गई है। इसके साथ ही कंपनी अपने पहले ईयरफोन्स भी लॉन्च करने की तैयारी में है। दोनों ही प्रोडक्ट्स के बारे में और जानकारी 7 जनवरी को मिलेगी। जबरदस्त कंपटीशन के बावजूद एप्पल ने ट्रू वायरलेस स्टीरियो कैटेगरी में अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल का इस सेगमेंट में करीब 43% मार्केट शेयर है। 7% के साथ शाओमी दूसरे पायदान पर है। चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो लेकर आई है अपना नया स्मार्टफोन वीवो S1 Pro। वीवो S1 Pro पिछले साल लॉन्च हुए वीवो S1 का अपग्रेडेड मॉडल है। इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर यूज किया जा सकता है। साथ ही इसमें आपको 4 कैमरा और 4500 mAh की बैटरी भी मिलेगी। 2020 में वीवो के स्मार्टफोन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स पर एक साथ लॉन्च होंगे। वीवो के CEO जेरोम चेन का कहना है कि कंपनी जल्द अपनी ऑनलाइन एक्सक्लूसिव सीरीज बंद कर देगी, यानी यूजर्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स में सेम प्राइस और ऑफर्स मिलेंगे। चीनी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर ओप्पो ने कंफर्म किया है कि वो बहुत जल्द भारत में F सीरीज का अपना नया स्मार्टफोन ला सकता है। इस फोन के साथ ओप्पो एक स्लीक और फैशनेबल डिजाइन से युवाओं को लुभाने की कोशिश करेगा। साथ ही कंपनी ने चीन में रेनो 3 और रेनो 3 प्रो भी लॉन्च कर दिए हैं। ओप्पो ने यह भी दावा किया है कि अगले साल वो भारत में करीब 100 मिलियन हैंडसेट्स बना सकती है। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सुमित वालिया ने हाल ही में कहा कि ओप्पो 2020 में ज्यादा से ज्यादा फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन पर फोकस करेगा। 2019 के तीसरे क्वार्टर तक ओप्पो का भारत में 11.8% मार्केट शेयर था। साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से साल 2020 काफी चैलेंजिंग रहने की उम्मीद है। साइबर सिक्योरिटी फर्म कैस्परस्की ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2020 में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम सबसे ज्यादा टारगेट किए जा सकते हैं। फर्म का मानना है कि सबसे ज्यादा अटैक ई कॉमर्स कंपनियों पे हो सकते हैं। साथ ही मोबाइल इन्वेस्टमेंट ऐप यूजर्स को भी संभल के रहने की जरूरत है। अब से आप विंडोज फोन पर व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप ने ऑफिशियली विंडोज फोन के लिए सपोर्ट बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, 1 फरवरी से व्हाट्सएप एंड्रॉइड वर्जन 2.3.7 और iOS 8 पर भी काम करना बंद कर देगा। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते रहना चाहते हैं तो जल्द से जल्द नया फोन खरीद लें। खबर है कि सैमसंग S11 से पहले अपना नया फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। S सीरीज अक्सर फरवरी में लॉन्च होती आई है, लेकिन सैमसंग ने अपने फोल्डेबल फोन को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पिछले साल लॉन्च हुए गैलेक्सी फोल्ड को ज्यादा प्राइस के बावजूद भारत में अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।